अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज सितंबर 6, 2023 हज़रत तवक्ल मस्तान शाह दरगाह को जा रही संदल उर्स है। आज संदल शरीफ है तवक्ल मस्तान बाबा का। 3 दिन संदल शरीफ चलता है, 6, 7, 8 तो आज आम संदल है। हमें यहाँ जा पहुँचे तो जो जो आना चाहते हैं तो वीडियो आज बनाई तो हम थर्सडे के दिन ही दस दिन सो एक दिन रहता है। अगर आना चाहते हैं तो जरूर से आइए, माशाल्लाह देखने के लिए तो आंग भी पसती होती। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सवारियाँ सवारी रेडी थे हमें आए तक, तो हमें शुक्रिया बोलना, बहुत अच्छा मंजर हमें देखे। बहुत टाइम पर 8:30 बजे के करीब थे यहाँ पर, तो एक बात बताती हूँ, जरूर से सुनिए और मेरी बात आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स में बताइए। हमारे घर के पास इतनी बारिश पड़ रही थी, बहुत लोग घर के पास से नहीं आ पाए, तो वहाँ पर बहुत बारिश पड़ रहा है। दरगाह के पास कैसा रहता मंजर, नहीं आ सकते। यहाँ से कम समझ लीजिए कि 10 किलोमीटर दूर, उतना ही दूर है हमारा घर। तो यहाँ आने के बाद आधी दूर आके देखती हूँ बाबा का नज़ारा, और उनके जो नाम से यहाँ पर संदोल हो रहा है तो कैसा आ सकता है बारिश, आप ही बताइए। तो बड़ी अम्मा के बहू और मैं और मोमो और साहब भाई सब गए थे। तो यहाँ पर देखिए जो मेरे बहना आ सके नहीं बारिश की वजह से, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। इंशाल्लाह बेंगलुरु के अंदर कितने तारीख को संदोल होता है मेरे शहर में। Thank you.
यहाँ पर देखिए सवारी जाने के लिए सब रेडी है और खवालिया भी माशाल्लाह इतने प्यारे चल रही, दिल करता है कि मैं ऐसे ही डाल दूँ, बट अफसोस कि नहीं डाल सकते, काफ़ी रेटिंग आ जाता है, तो इसलिए मैं वॉइस घर आके कर रही हूँ। यहाँ पर तो बिल्कुल बात करने का मौका ही नहीं मिला, तो घर आके मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। यहाँ पर तो हमें गए ना तब तो बिल्कुल अदमिया नहीं थे, बट कहाँ से चाहिए कि ऐसा है मंजर के मैं क्या बोलूँ, देखते रह गई मैं। फर्स्ट बार मैं भी इतनी भीड़ में, इतने सारे आदमियों में, इतने बड़े संदल में गई हूँ, सो मैं भी नहीं गई थी कभी भी। बोल पकड़ा है, तो देखिए यहाँ पर आदमियों की भीड़ रात के 11 बजे, अब भी आदमियां ज्यादा हो रही, और पूरा वीडियो देखिए आपको लास्ट तक भी जरूर से कान तक है बाबा की चाहत मेरे। रात में देखिए यहाँ पर हर चीज आर्टिफिशियल बच्चों का हो गया, संदोल बोले तो आप कैसा रहता माहौल देखिए, यहाँ पर गोलगप्पे वाले, रात को हवा बन तलने वाले, हर चीज यहाँ पर थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, या खाना आप बाहर खा सकते हैं, सारे होटल खुले थे। देखिए यहाँ पर अभी संदोल गए थे क्या लाए बोले तो बच्चे सब भी घर में छोड़ कर आए रहे तीनों, कुछ भी बच्चों के लिए भी यहाँ पर शॉपिंग आराम से कर सकते। कैसा था मोमो आज का दिन? बोलो,
अच्छा लगे तुम ना। माशाल्लाह, इनको तो घर जाने का इरादा नहीं था मोमो को हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर, नाजो और साभे इंतजार कर रहे हैं ऑटो रख लेके। देखो हमें भी मस्तान साहब, मस्तान मालिक बाबा तुम्हें बुला लगे थे ना, उनके बड़े भी कहते ना वहाँ जाप संतु चढ़ा को बाद में मंचे तो छोड़ दे बैठा वहाँ तुम्हें रह जाओ जानो को चार बजे पूरा रोड आदमिया ही हाँ बैठा तमाम भी परसों मिले ही दिन में। लेकिन आज लेकिन ट्रैवलिंग का भी तीन दिन का है, हमारे भी तीन दिन हजारों के रुपए खर्चा कर लगे हैं। अब हमें कैसा मस्तान भाई जनख्या में पानी आ गया, याद इतने आदमी हमें मरे दादी नहीं याद करती हम ना, उन्होंने क्या चीज है 3 घंटे बराबर। हाँ चलो हम मिलने चलेंगे आते। यहाँ पर देखिए वही बोले के जा रहे थे, यहाँ पर देखिए आदमियाँ पूरे जपलों को खड़े थे सवारी आ रही है बोल को, पूरा मार्केट का रोड पूरा मजेस्टिक का रोड, हमें वही देख के तंग रह गए कि फर्स्ट बार ये सभी देख रही हूँ ना मैं, मुझे इतनी खुशी हुई इनका चाहत इनकी मोहब्बत तौखल मस्तान बाबा की चाहत मोहब्बत। यहाँ पर देखिए देखने के बाद मेरे आंखों में पानी आ गया खुशी से। तो नाजू को भी जाने का इरादा था नहीं था, मोमो का भी इरादा नहीं था। मार्केट के सिग्नल तक भी आदमियां पूरे जने इंतजार कर ले को, छोटे बच्चा बिठा ले को, ऐसी चाहत ऐसी मोहब्बत बोल को मुझे नहीं मालूम था। माशाल्लाह ये सुबह के लिए एक्शन पुकार देना या खतीमे या टमाटर सब भी इसलिए सब कुछ आ गया है, इतनी रात को आता है ये मुझे मालूम नहीं था। अभी हम यहाँ से 3 दरबार को जाएंगे तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ तक भी आदमियां बैठ लो कुछ ही जपले को असंदल बोल को आइए पर सभी बैठले को थे, तब हम पूछे उनको क्या वास्ते बैठेंगे, तो अब सवारी आने वाली है हम यहाँ बैठे, हमें भी बाहर से सभी आको ही बोले, दरगाह के पास भी बैठ लगते इंतजार कर ले को। तो ये सब माहौल देख के मुझे बहुत खुशी हो गई। तो चलिए अभी चलते हैं दरगाह के अंदर, तो चलिए चलते हैं। ये मार्केट के अंदर इतना आराम से इतना फ्री से जिंदगी में पहली बार देख रहे समय। तो मैं ज्यादा वीडियो नहीं बनाई हूँ, तो बहुत सारे बड़े बड़े आदमियां भी बैठे थे, अच्छा नहीं लगता ना उनके सामने ले जाकर वीडियो बनाना, इसलिए नहीं बनाई मैं। तौखल मस्तान बाबा के बड़े भाई संदोल अभी यहाँ से चले ले जाते हैं दरगाह को, तो यहाँ तक भी आदमियां जपले को बैठे थे और इनका नाम हजरत मानिक मस्तान शाह वाली दरगाह। तो शरबत भी बना रहे थे, 1 बजे सवारी आती है बोल को, यहाँ के अरेंजमेंट भी देख ले को, यहाँ भी मिलने को, अभी हम घर जाएंगे। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखे रहे तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। 11 घंटे बीच लगे घर को जाने का तो इरादा नहीं है, साथ ही रह जाते तो हमें भी रह जाते हैं क्या नजर आ देंगे 12 बजे गर्म चाय पीने को। क्या सब है बुला लगा थी क्या नजर हमारे घर को तक जाने का रखता है, और तो घर में बैठेंगे फिर आ जाएंगे तो सारे दरगाह मिलने के बाद घर आए और चाय भी पिए। चाय पीने के बाद मैं सोची थी कि साहब भी बुला ले जाती हैं हमें, अब गर्म चाय पिला रही हूँ बोल को, लेकिन घर आने के बाद साहब भी चाय पीने के बाद पलट गए, अभी चाय को आ गए इंशाल्लाह सब हम ला ले जाता हूँ मैं, अभी जाके सो जाता हूँ बोल के नाजो और सभी चले गए घर। इंशाल्लाह आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो मिलती हूँ कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।